बात करते हैं एक और खबर की और वो है श्रीनगर का मास्टर प्लान। उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जिसके तहत अब शहरी श्रीनगर को जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाने की कोशिशें की जा रही है। फाइनल ड्राफ्ट जो मास्टर प्लान का बापत साल 2035 सामने आया है जिसके अंदर श्रीनगर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की बात कही जा रही है। कल हमने आपको बताया कि किन किन दफ्तरों को बाहर निकालना है, परसों वाली निशस्त में हमने आपको बताया था कि बस स्टैंड को कहां पर लिया जाएगा। आज आपके सामने चूंकि स्कूलों की बात हो रही है तो स्कूलों का मामला भी सामने रखा जाएगा। कुल मिलाकर इस नए मास्टर प्लान बापत इस साल 2035 का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें यह लिखा गया है कि तकरीबन 590 स्कूलों की जरूरत शहर श्रीनगर के अंदर है साल 2035 तक। यानी साल 2035 तक हमने मजीद 590 स्कूल सरकारी सतह पर चाहिए और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोविजन जो है वो श्रीनगर मास्टर प्लान के अंदर रखा गया है। अब इन 590 स्कूलों की जो फहरिस्त है, जो तकसीम है, वो कुछ इस तरीके से है। 440 प्राइमरी स्कूल चाहिए, 150 हायर सेकेंडरियां चाहिए और एलिमेंट्री लेवल स्टडीज का निज़ाम तब जाकर बेहतर हो सकता है श्रीनगर के अंदर। ये 440 और 150 जो है ये जोन वाइज बनाने की बातें कही गई है और इसमें एक बड़ी चीज़ जो है पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या होगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है, उसी को अप्लाई करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के इस मेट्रोपॉलिटन प्लान के अंदर की गई है। और साथ ही ये कहा गया कि स्पेशल 5 ये सरकार के सामने ये बात भी रखी गई है कि सरकार बनाए 5 एडिशनल स्पेशल स्कूल। ये स्पेशल स्कूल कौन होते हैं जी, जहाँ पर जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम, उनके स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं। अभी तक हमारे पास एक स्कूल है, वो भी कितना चलता है आपके सामने है। लेकिन इस मास्टर प्लान के अंदर ये कहा गया है कि 5 एडिशनल स्पेशल स्कूल रखे जाएं जी, एक ज़िला बड़गाम के अंदर हो, एक गांधरबल के अंदर हो, एक पुलवामा के अंदर हो, एक बांडीपोरा के अंदर हो, एक बारामूला के अंदर हो, ताकि जिस्मानी तौर माजूर या कमज़ोर बच्चे जो हैं वो भी तालीम के नूर से आरास्ता हो सके। इसके हवाले से भी बात कही गई है और ये भी कहा गया कि साल 2011 का जो सेंसस है उस हिसाब से उसमें इजाफा किया गया है तकरीबन 15% का अप्रॉक्सीमेटली, और उस पॉपुलेशन को बुनियाद बनाते हुए एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे को 1800 से ज़्यादा प्री प्राइमरी प्रेपरेटरी स्कूलों की ज़रूरत है। और ये प्री प्राइमरी मतलब प्रेपरेटरी स्कूल मतलब जहां आप बच्चों को डालते हैं, जहां वो छोटे बच्चे जाते हैं जी, जहां पर रायमे वायमे उन्हें सिखाती हैं, प्री प्रेपरेटरी स्कूल है। और एक प्रेपरेटरी स्कूल में तकरीबन 250 ही बच्चे हो, ये बात जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सेपरेटली ICDS प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर भी चलाया जाए। इस तरीके की सिफारिशें जो हैं वो इस मास्टर प्लान के अंदर, ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अंदर जो है वो कही गई हैं। ड्राफ्ट मास्टर प्लान बापत साल 2035 के अंदर श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने के लिए स्कूलों का क्या कुल हाल होना चाहिए, वो थोड़ी सी खबर हमने आज आपके सामने रख दी है। अब